दोस्तों संदीप जी आए हैं चैनल में, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आरडी इंट्रैक्स M500 प्रोजेक्टर जो मैंने ख़रीदा है, मैं उसकी आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने। अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने अपनी ही जो वीडियो चैनल की वीडियो है वो चला रखी है प्रोजेक्टर पर, और अभी इसकी जो डायगनली लेंथ है वो तकरीबन 120 इंच है, और जो प्रोजेक्टर स्क्रीन से के बीच की डिस्टेंस है वो तकरीबन 11.5 फीट है। और अब आप देखिए, अभी ये जो मैं वीडियो चला रहा हूँ ये डे लाइट में चला रहा हूँ। मैं आपको वापस लाइट भी बताता हूँ कितनी लाइट में मैं ये चला रहा हूँ, तो आप देखिए काफ़ी लाइट है। और इसमें भी इसकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि ल्यूमेंस काफ़ी ज़्यादा है, 5500 है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लाइट में आपको ये मिल रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डे लाइट में इसका पूरा आपको मैंने परफॉर्मेंस दिखाया था, अब मैं आपको अभी लाइट मैं दिखा, ट्यूबलाइट जो जली हुई है उसमें दिखाने जा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट ऑन है, और इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये ऊपर आप देखिए ट्यूबलाइट है, और फुल ट्यूबलाइट में आप इसकी परफॉर्मेंस ये देख रहे हैं। वाओ, ये आप परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, फुल एचडी प्रोजेक्टर है, नेटिव रिजोल्यूशन फुल एचडी का है, इसलिए आपको ये परफॉर्मेंस मिल पा रही। हालांकि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये 720 पिक्सल पे बनाई है, इसलिए इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो क्वालिटी का कोई जवाब नहीं। अगर इस पर आप फुल एचडी मूवी देखेंगे तो आप वो फील करेंगे जैसे आप किसी अच्छे से थिएटर में, मूवी थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहे हों। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अभी प्रोजेक्टर की जो मेन होम पेज है वो, उसका डिस्प्ले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं वो आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले तो ये दोस्तों जो मॉडल है ये है आरडी इंट्रैक्स M500, और इसका जो ल्यूमेंस है वो है 5500, जिससे कि इसकी क्वालिटी आपको एज ए मूवी थिएटर जैसी मिलेगी। अगर आपके पास बड़ा हॉल है तो आप इसकी मैक्सिमम जो स्क्रीन साइज है वो आप 350 तक कर सकते हैं। दूसरा, और ये प्रोजेक्टर आपको पता ही है फुल एचडी है, क्लैरिटी जो आपको इसमें मिल रही है, जैसा आप एक टीवी देखते हैं उसमें जो क्लैरिटी मिलती है उस तरह की इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। वाईफाई इनबिल्ट है, एंड्रॉइड है, प्लस इसमें आप ब्लूटूथ भी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ ऑक्स हैं, यूएसबी केबल लगा सकते हैं, एचडीएमआई केबल से आप किसी भी आपकी डिवाइस से उसको अटैच कर सकते हैं, वीजीए केबल के थ्रू भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं कोई भी डिवाइस, डिश टीवी या कोई भी टीवी आपका सेटअप बॉक्स है वो सीधा आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो एलईडी जो बल्ब की लाइफ है वो तकरीबन 40,000 आवर्स है, जो कि दोस्तों आप अगर कई सालों तक भी चलाएं और आप डेली 4-5 घंटे देखते हैं तो कई सालों तक आपको इसके क्वालिटी के से रिलेटेड कोई इशू और लैम्प से रिलेटेड कोई इशू आने वाला नहीं है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो स्पीकर हैं वो दो हैं, प्रोजेक्टर में दो स्पीकर हैं, जिससे कि साउंड आउटपुट जो आपको मिल रहा होगा मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। कई प्रोजेक्टर में हम देखते हैं एक स्पीकर होता है तो वो आपके बस 100-100 आवाज़ आपको दे देता है, लेकिन प्रॉपर आपको साउंड नहीं मिल पाता है। इसमें आपको दो स्पीकर मिल रहे हैं, तो आप अगर इसकी साउंड एक कमरे में बैठ के आप प्रोजेक्टर पे कोई मूवी देख रहे हैं
तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको अलग से कोई एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स लगाना पड़े। अब हम जाते हैं, जो आपको मेन स्क्रीन दिख रही है इसमें क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों अगर बताने जाऊंगा तो इसमें इतने सारे फंक्शन हैं कि काफ़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो मेन मेन जो फंक्शन है उनका डिटेल बताने जा रहा हूँ, वो आप देखिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऊपर तो सिग्नल सोर्स है। सिग्नल सोर्स में आप देखेंगे पीसी है, यहाँ से अगर आप पीसी आपका कोई इसमें जाके कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। अब है आपका ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो में अगर आप आपके पास कोई ओल्ड सेटअप बॉक्स है जिसमें HDMI नहीं होते थे, तो आप इस ऑडियो वीडियो फंक्शन के साथ उसको आपका पुराना जो सेटअप बॉक्स है कनेक्ट करके सारे टीवी के चैनल्स हैं वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा जो है HDMI, उससे आप कनेक्ट करके अपने सारे डिवाइस जिसमें HDMI है वो कनेक्ट करके इस पर आप पिक्चर देख सकते हैं या कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। अब हम आते हैं माइन फंक्शन है। ये मेन आपको दिख रहा होगा, इसमें नेटफ्लिक्स सपोर्ट करता है, अमेजोन प्राइम भी इस पर अच्छा चलता है, यूट्यूब है, एक्टोइड टीवी है, WPS ऑफिस आप देख रहे हैं वो है, ऐप मार्केट जो है ऐप मार्केट भी है, जिससे आप कोई भी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो इस ऐप मार्केट के थ्रू जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फाइव एक्सप्लोरर, तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो वीडियो है, म्यूजिक है, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको इसमें आएंगे। फिर ऊपर जाते हैं ऐप्स में, तो ऐप्स में आप देख रहे हैं ब्राउज़र है। ब्राउज़र में आप ये देखिए, यहाँ से ब्राउज कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस हैं, सिस्टम अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ दे रखी है। थीम है, थीम भी दो तरह की थीम है, ब्लू है, ब्लैक है, जो आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। डाउनलोड्स में आप जो कुछ भी डाउनलोड करेंगे वो सारा इसके अंदर आएगा। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सेटिंग में वाईफाई है, मिरर कास्ट है। मिरर कास्ट अगर आपका अपना फ़ोन है उसको आप सीधा स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फ़ोन को ऑपरेट करते हुए वो जो आप फ़ोन पे चलेगा वो आपका सारा स्क्रीन पर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आएगा। वाईफाई हॉटस्पॉट है, वायर्ड नेटवर्क भी है, कि आपने देखा होगा इसमें लैन केबल भी आप अटैच कर सकते हैं। ब्लूटूथ मैंने आपको पहले बता दिया था वो है। इमेज सेटिंग में जाके आप इसकी इमेज को सेटिंग कर सकते हैं, इमेज क्या सेट करनी है आप देखेंगे। ट्रेपेजॉइड करेक्शन है, ये आप रिमोट के थ्रू कर सकते हैं, आप देख रहे हैं सही हो रही है। तो आपको जिस तरह की स्क्रीन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन कर सकते हैं। अब मैं इसके बैक में चलता हूँ वापस। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मेथड आपको कौन सा चाहिए, तो ये आप ये देखिए पॉजिटिव कास्ट में आप रिवर्स कर सकते हैं, ये रिवर्स हो सकता है। फॉर्मल बैकड्रॉप, पोस्टिंग बैकड्रॉप, ये सारे इसके प्रोजेक्शन के मेथड हैं। अगर ये सारी यहाँ पर आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसमें आप सिस्टम इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज जो बता रहा है 8GB बता रहा है, अवेलेबल स्पेस अभी मेरे पास 2.48GB है। ये पूरा आपको इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन आ रही है। सिस्टम अगर अपग्रेड करना चाहें, अगर कोई भी अपग्रेडेशन आया है तो आप इसके थ्रू अपग्रेड भी कर सकते हैं। सिस्टम साउंड आप कैसा चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, बास कितना चाहिए, ये सारा बैलेंस कितना चाहिए, ये सारा आप इसके थ्रू कर सकते हैं। साउंड आउटपुट आपको कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, हॉर्न चाहिए, लाइन चाहिए, वो भी आप इससे सेट कर सकते हैं। ये आपको रिज्यूम टू फैक्ट्री रीसेट, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्टर जो है जो फैक्ट्री सेटिंग है उस पर चला जाएगा।
इसके बाद डेट एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है। कीबोर्ड अगर अटैच करना चाहे तो आप इस फंक्शन के में जाकर कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। ये स्क्रीन सेवर है, इसमें दो तरह स्क्रीन सेवर है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का स्क्रीन सेवर दे रखा है, उससे आप इसको स्क्रीन सेवर कर सकते हैं। ये ऐप मैनेजर है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं आप कहाँ हैं। सिक्योरिटी और लिमिट थीम आपको दो थीम मैंने पहले आपको बताया था, एक ये वाली थीम है आप देख रहे हैं और एक ब्लैक वाली थीम है। मेरे को ब्लैक वाली अच्छी लगती है इसलिए मैंने ब्लैक कर रखी है। वॉलपेपर है काफ़ी, ये सारे फंक्शन दोस्तों इसमें काफ़ी फंक्शन है। मैंने काफ़ी प्रोजेक्टर देखे और उसके बाद में मैंने ये पसंद किया और इसको ख़रीद के मेरे को कोई मैं प्रॉब्लम नहीं है। डेली हम इस पर अच्छी फिल्में देखते हैं, टीवी भी चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल है संदीप जी आए हैं, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।